दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे आंखों में अगर लाल धब्बे हैं तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, इसे कौन कौन सी बीमारी का संकेत समझिए, पूर्णतः इस वीडियो में बताएंगे, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मुझे खुशी होती है। आइए जानते हैं अब इस बारे में। आंखों में मौजूद लाल धब्बों को हल्के में कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये धब्बे आपके उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझने का संकेत हो सकते हैं। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने हालिया अध्ययन के आधार पर यह चेतावनी दी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक नसों में तीव्र गति से खून का प्रवाह होने लगता है, अगर तो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। इससे आंखों में खून के थक्के जमने लगते हैं और लाल धब्बे पड़ने की शिकायत सता सकती है आपको। और यही समस्या जब होती है तो आगे चल करके हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है। मुख्य शोधकर्ता जेनेसिक निब्स ने गालों पर लाल धब्बे या चकते पड़ने की समस्या को भी गंभीरता से लेने की सलाह दी है। इसीलिए उनकी अगर हम माने तो जब त्वचा में खून का बहाव करने वाली नसें फैल जाती हैं तो लाल धब्बे या फिर चकते उभरने लगते हैं। अमूमन नसें फैलने के लिए खून का तीव्र गति से बहना जिम्मेदार होता है। अगर तीव्र गति से हमारे शरीर में ब्लड बहने लगता है तो वो थक्के के रूप में जमने लग जाता है। आंखों में जम सकता है, आपके फेस पर जम सकता है, शरीर पर तो कई बार क्या होता है, सोने की वजह से बॉडी दब जाती है किसी खास जगह पर, तो उससे हो जाता है। लेकिन बिना वजह जम रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हालांकि ज्यादा देर तक धूप में रहने, मिर्च मसाले युक्त भोजन करने, गर्मा गर्म चाय कॉफी पीने या फिर ठंड बढ़ने पर भी ये दिक्कत आपको हो सकती है। निप्स के अनुसार कानों का गर्म पड़ना और गर्दन के नसों में झंझनाहट महसूस होना भी उच्च रक्तचाप के खतरे के प्रति आगाह करता है। इन लक्षणों के सामने आते ही व्यक्ति को अपने रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए। खान पान में परहेज रखना चाहिए। अच्छी नींद और एक्सरसाइज के जरिए समय रहते रक्तचाप पर काबू पाने के उपाय करने चाहिए। हार्ट अटैक स्ट्रोक का खतरा नहीं तो बढ़ना तय है और हार्ट अटैक से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। तो आइए चलते चलते आयुर्वेद की एक औषधि भी जान लीजिए जो कि रामबाण है। अगर किसी को भी बीपी की शिकायत है तो, यानी कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो कौन सी वो औषधि है, तो सुबह सुबह जो शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है उन्हीं की पत्तियों को लेना है और एक से दो या फिर तीन पत्तियां सुबह सुबह चबा करके खा लीजिए बिल्कुल खाली पेट। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो कंट्रोल हो जाना है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए, आपके बीपी की दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बीपी को आप वैसे ही कंट्रोल कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये अच्छी जानकारी मिले, आप इसमें भागीदार बने। मेरा ये प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी को अच्छी जानकारी मिले, आप इसमें भागीदार बने। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके आपका कुछ नहीं लगता है, बट मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए बेस्ट वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो सबसे पहले मिले आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।